Dear students, welcome on RC online Pathshala. Now we start the next fifth number question. That's very important. तो आप बुक में हल्का सा ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है आपको ऐसे का ऐसा बुक में कर लेना है. यहाँ पे उधर कैप दिया हुआ है, ए कैप, बी कैप, सी कैप, तो आप उनको हटा लीजिए. और ये जो मैंने लिखा है ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है. इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर द यूनिट वेक्टर्स सच दैट ए डॉट बी, ए डॉट सी इक्वल टू जीरो एंड द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर इज पाई बाय सिक्स, देन प्रूव दैट दिस वन. तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, गौर से देखना. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है, ऑल थ्री वेक्टर्स आर यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स हैं. तो इनके जो मैग्नीट्यूड होंगे वो आपको क्या मिलेंगे, मैग्नीट्यूड वन रहेंगे. और देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या है, जीरो. तो इसका मतलब क्या है, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर. ये आपको याद आ गया होगा. कैसे करते हैं, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी और कोस थीटा. अब थीटा 90 रहा होगा तो ये जीरो बनेगा. कोस 90 क्या होता है, जीरो. इसका मतलब क्या है, ए और बी इन दोनों के बीच में एंगल क्या बनेगा, पाई बाई टू. ऐसे ही देखो ए डॉट सी क्या होगा बच्चों, जीरो क्वेश्चन में है. तो क्या होगा, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर. तो देखिए इसे आप नंबर वन इसे नंबर टू लिख दीजिए. तो देखो ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स बी वेक्टर एंड सी वेक्टर. देखिए जो आपका ए वेक्टर है वो बी और सी दोनों के क्या है, दोनों के क्या है, दोनों के परपेंडिकुलर है. इसका मतलब क्या है, आपका अगर ये इसको आप बी वेक्टर बोल रहे हो, इसको आप सी वेक्टर बोल रहे हो, तो ए वेक्टर ये यू रहा होगा कंप्लीट. और याद करो जो मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होती है, ए और बी के परपेंडिकुलर होती है. तो अगर मैं बी क्रॉस सी करूंगा तो बी क्रॉस सी क्या होगा, इस ए वेक्टर के पैरेलल होगा क्या नहीं होगा. देखो ये दोनों पैरेलल हो गए कि नहीं हो गए, कंप्लीट. ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी क्रॉस सी. और इसके बाद इस लाइन के आगे जो लाइन आएगी उसको मैं लिखता हूं इधर, जब पैरेलल है तो उसको क्या लिखोगे, ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा और क्या होगा, बी क्रॉस सी वेक्टर. अब दोनों तरफ क्या ले लो, मॉडुलस ले लो, तो लैम्डा बी क्रॉस सी ये लो. उसके बाद देखो ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू इस लैम्डा को बाहर निकालो, ये लग गया इसके भी, और क्या है बी क्रॉस सी. अब तो आपको पता ही है ए लैम्डा बी सी साइन थीटा, और थीटा आपके पास क्या है यहां पर, पाई बाय सिक्स, उसको भी इधर छापो. और देखो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, वन फ्रॉम वन. देखो ना अभी हमने करवाया है ना, ये वाली लाइन में देखो इक्वल टू ये लैम्डा और ये क्या आ गया, इसको आप थ्री नंबर डाल दो. और ये क्या है वन, और ये क्या है वन, और ये क्या है साइन पाई बाई सिक्स, यानी वन इक्वल टू मोड लैम्डा इंटू वन बाई टू. तो यहां से टू इक्वल टू मॉडुलस ऑफ लैम्डा. तो क्या आ गया, ध्यान देना क्वेश्चन में केवल एक लाइन थी उसको मैं दोबारा बता दूंगा. देखो ये टू इक्वल टू मॉडुलस लैम्डा है, तो मॉडुलस लैम्डा इक्वल टू टू, तो यहां से लैम्डा इक्वल टू क्या है, प्लस माइनस टू. और वैल्यू ऑफ लैम्डा पुट इन थर्ड इक्वेशन तो क्या आएगा बोलो, ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा की जगह प्लस माइनस टू और बी क्रॉस सी आ गया आंसर. ये आपका हैंस प्रूव्ड हुआ. अब एक चीज समझ लो बस, देखो ए वेक्टर इज, इससे पहले मैं आपको एक लाइन बता देता हूं ना, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करते हैं.
ये तो फॉर्मूला भी लिखा था, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा वो लगाया है। तो आप इस लाइन को दोबारा समझो, इस लाइन को अभी मैं एक बार और बताना चाह रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि आपको डाउट आ रहा हो, तो इसको हम और अच्छे से सोल्व कर लेते हैं। ये तो आपके सब क्लियर है ही, इसमें तो कुछ डाउट होना ही नहीं चाहिए। देखो ध्यान से याद करो, हम जो शुरुआत में वेक्टर पढ़ाए थे पहली वाली क्लास को, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। तो ए क्रॉस बी मैंने ऐसा कुछ बनाया था, देखो ये ए क्रॉस बी मैंने इस पे बनाया है, जबकि ये ए क्रॉस बी यूं है, समझ गए, ये ए क्रॉस बी यूं रहा होगा इसके जस्ट परपेंडिकुलर, तो ए के बी और बी के बी, लेकिन ये ए क्रॉस बी है, ये ए क्रॉस बी है, समझ गए। तो देखो ए है जो परपेंडिकुलर किसके है, बी के भी है, और ए है वो परपेंडिकुलर किसके है, सी के भी है। तो देखो ए वेक्टर कैसे रहा होगा, देखो अब ध्यान से इस पे आना, ये बी है ये सी है, तो ए वेक्टर यूं रहा होगा, ए वेक्टर यूं रहा होगा, समझ गए ना, ए वेक्टर यूं रहा होगा। और उसके बाद देखो अगर मैं बी क्रॉस सी करूं, बी क्रॉस सी करूं, तो ये भी परपेंडिकुलर आ जाएगा, नहीं आएगा, तो B क्रॉस C भी परपेंडिकुलर है इन दोनों के, B क्रॉस C इसके भी है इसके भी है, भाई देखो ना A क्रॉस B है वो A के परपेंडिकुलर, और A क्रॉस B है वो B के भी तो परपेंडिकुलर है, ये मैं लिखवा चुका, तो B क्रॉस C होगा वो B के परपेंडिकुलर है, और B क्रॉस C किसके, C के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब B क्रॉस C की भी डायरेक्शन ये और N की भी डायरेक्शन ये, तो 100% क्या होगी, ये पैरेलल होंगे। और आपको पता है A वेक्टर और B वेक्टर अगर पैरेलल है तो A वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा ऑफ B वेक्टर, तो वैसे ही है A वेक्टर इज पैरेलल टू B क्रॉस C, तो A वेक्टर इक्वल टू लैम्डा B क्रॉस C। उसके बाद मॉडुलस लिया और मॉडुलस लेके आपने मैथमेटिकल मेथड से सॉल्व कर दिया। इस प्रकार से ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपने सॉल्व किया और एग्जाम में आ सकता है। आज के लिए इतना ही, बी हैप्पी, हैव ए नाइस डे।